हाय फ्रेंड्स, नाश्ता विद मॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीरज प्रजापति। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा तो सभी को बहुत पसंद होता है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा ली है, जिसका अभी हम दो बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच शक्कर ली है, दो चुटकी बेकिंग सोडा लिया है और एक चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ मैं अभी दो तीन चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने दही लिया है, अभी मैं दही डालूँगी दो से तीन चम्मच। यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज़ लिया है अमूल का, और ये पिज्ज़ा सॉस है। टॉपिंग के लिए यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है और थोड़ा सा पनीर लिया। आप चाहें तो और भी चीज़ें ले सकते हो, जिससे चाहें उससे सजा सकते हैं अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं ये मैदा का डो बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा ली है, इसमें गड्ढा कर लेंगे। जो नमक लिया है हमने वो ऐड कर देंगे, ये सोडा, ये बेकिंग पाउडर, ये शक्कर। अब हम तीन चम्मच, आप कैसा भी दही ले सकते हैं। अब हम ऑयल डालेंगे। मैंने छोटी चम्मच तीन ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है, जितना लगेगा उतने से हम गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी नॉन के लिए गूंदते हैं उसी तरीके से हमको लगाना है, और 20 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैदा हमने गूंद के रेडी कर लिया। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पानी हमारा इतना बच गया है, इतना हमने यूज किया है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ हम इस तरह से कस लेंगे टॉपिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिली फ्लेक्स के लिए मैंने ये लाल मिर्च ली है, इसको इस खलड़ों में ऐसे डाल के इस तरह से कूट लेंगे, हमारा चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक भगोना लिया है, उसमें नमक डाल दिया है। ये नमक मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब हम इसमें ऐसा स्टैंड रख देंगे, नहीं हो तो कोई कटोरी रख सकते आप। अब इसको हम ढक देंगे, जब तक हमारा ये फ्री हीट होगा तब तक हम इसका पिज्ज़ा बेस तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने मिर्च को दरदरा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुका है। अब हम इस मैदे को इसका बेस बना के, मैंने इतना लिया है, इतनी लोई ली। अब हम इसका बेस बनाएंगे बेल के। ये मैंने हुरसा लिया है, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। अब हम इसको बेलन से इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बेस के लिए तैयार किया। इसकी लेयर इस तरह से इतनी मोटी होनी चाहिए। ये पिज्ज़ा मैं इस प्लेट में बनाऊंगी, इसको अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे। इस तरह से हमको, मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पिज्ज़ा सॉस लगा देंगे।
अगर आपके पास ना हो तो टमाटो सॉस और चिली सॉस मिला के लगा सकते हैं। अब हम चम्मच की सहायता से इसको इस तरह से लगा देंगे। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ही चीज़ डालूंगी। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च मैंने लंबाई में कट की है, ये पनीर है, टमाटर, प्याज। अब हम फिर से चीज़ डाल देंगे। ये सो फ्रेंड्स, भगोना हमारा गर्म हो चुका अच्छे से। अब हम इसको इसमें रख देंगे 20 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसको एक बार देख चेक कर लेंगे। अब इसको अच्छे से ढक देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके, पिज्ज़ा हमारा बन के रेडी हो गया। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पिज्ज़ा परफेक्ट बनेगा। अब हम इसको सावधानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कटर लिया है, पिज्ज़ा कटर। अब हम इससे कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पिज्ज़ा बन के रेडी है। ये अच्छी तरह से सिक चुका है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।